कोरोना वायरस जिस तरह से भारत में अपने पैर पसार रहा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली को लॉकडाउन कर दिया है। इस लॉकडाउन के चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह 6 बजे से दिल्ली एनआरसी के सारे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को अनुमति दी गई है, जैसे रोज़मर्रा की चीज़ों की आवाजाही या सरकारी अधिकारियों दफ्तर से घर या घर से दफ्तर, या फिर कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में लोग आ जा सकते हैं। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नोएडा या फरीदाबाद से दिल्ली आना चाहते हैं। मैं इस समय दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हूं, जहां पर काफ़ी लोग अभी भी फंसे हुए हैं। चलिए हम लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्हें किस तरह की परेशानी हो रही है। भाई साहब, कहाँ से आए हैं आप? भाई, दिल्ली से आ रहे हैं। अच्छा, लॉकडाउन का पता होने के बावजूद आप घर से क्यों निकले? कितनी देर से खड़े हैं? पुलिस क्या कह रही है आपसे? भाई, हमसे तो कुछ नहीं पूछा, हम फरीदाबाद जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। अच्छा, तो ये चीज़ आपको पता थी कि लॉकडाउन है आज सुबह के 6 बजे से? नहीं, घर जाना है भाई। अच्छा, तो आप दो दिन कल लॉकडाउन का पता था, ठीक तो है, कल हम निकले नहीं। अच्छा, तो आज निकले क्योंकि आज का कुछ प्लान नहीं था कि आज लॉकडाउन हो जाएगा, क्योंकि हमें निकलना तो कल था, तो कल लॉकडाउन हो गया हमने उसको। वैसे कल मेरे ख्याल से शायद आपने टीवी नहीं देखा, क्योंकि दोपहर के 2 बजे से ही ये बताया जा रहा था कि कल सुबह के 6 बजे से लॉकडाउन हो जाएगा। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ लोग काफ़ी गाड़ियों में हैं और फंसे हुए हैं, बड़ी परेशानी में हैं। सर, ये चीज़ बताइए, आपको पता था कि आज सुबह के 6 बजे से लॉकडाउन इम्पोज कर दिया गया है, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने बता दिया था, तो फिर आप घर से क्यों निकले हैं जब लॉकडाउन है तो? थोड़ा सा तेज़ बोलें प्लीज़। दादा की तबीयत ख़राब है सर, तबीयत ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, तबीयत ज़्यादा ख़राब है आपकी, आप देखते रहिए। लोग ज़रूर, हम इनसे पूछेंगे कि भाई साहब, आपको मालूम था कि आज सुबह 6 बजे से लॉकडाउन है? बिल्कुल लॉकडाउन है, बिल्कुल मालूम है, बस रेफ़र किया गया है अस्पताल से, मदरहुड से, ठीक है, और इंद्रप्रस्थ अपोलो, तो इमरजेंसी में जा रहे हैं। तो ये देखिए लोगों को किस तरह की परेशानियां आ रही हैं। लोगों को परेशानी कोई नहीं, लोगों को हॉस्पिटल जाना है या फिर इमरजेंसी में रेफ़र कर दिया गया है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और नहीं जा पा रहे हैं। तो भाई साहब, आपको मालूम था आज सुबह 6 बजे से लॉकडाउन कर दिया गया है दिल्ली को, उसके बावजूद भी आप घर से निकले हैं, क्या रीज़न है उसका? बहुत ज़रूरी काम था, तो जैसा कि आप, क्या काम था आपका? बच्चे को लेने जाना। अच्छा, बच्चे को लेने के लिए जा रहे थे आप। कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? दादरी से। दादरी से आ रहे हैं और आपको दिल्ली जाना है? यस सर, बदरपुर। ओके, बदरपुर बॉर्डर जाना है। आप देखते रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पुलिस कर्मी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं, लोगों की आईडी चेक कर रहे हैं और उसके बाद ही उन्हें दिल्ली में इंटर करने के लिए अलाउ किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी अगर दिल्ली के अंदर जाना चाह रहे हैं तो उनकी आईडी चेक हो रही हैं, आईडी चेक होने के बाद ही उन्हें दिल्ली में एंट्री मिल रही है। चलिए हम कुछ और जगहों पर देखते हैं, कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपको मालूम था कि आज सुबह से 6 बजे से दिल्ली में लॉकडाउन है, उसके बावजूद भी आपको बाहर आना पड़ा है, क्या रीज़न रहा है बाहर आने का? रीज़न तो बहुत था, लेकिन हमने के लॉकडाउन हुआ पड़ा है दिल्ली, लेकिन बट हमारे बैंक जो खुले हुए थे HDFC बैंक से, हम उनके ठेकेदार के थ्रू काम करते हैं, तो एक्चुअली मैंने उनसे बोला भी था कि हमें जगह जगह रोका जा रहा है, हमें निकलने नहीं दिया जा रहा है, कई कई जगह हमें रोका भी गया, लेकिन हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा था। हमने खूब अपने ओनर से बात करी, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, हमें जाने नहीं दिया जा रहा है और हमारे काम को रुकावट दी जा रही है, लेकिन हमारे ठेकेदार कह रहे हैं काम को काम है, चेक लगाने पड़ेंगे। ओके, तो ये आप देख रहे हैं कि लोगों को इस तरह की परेशानी हो रही है, ये बता रहे हैं कि इनका आने का रीज़न ये है, उसके बावजूद भी इन्हें दिल्ली में इंटर नहीं करने दिया जा रहा है, गया है, उसके बावजूद भी आपको घर से बाहर आना पड़ा, जी, क्या रीजन? एक्चुअली घर में सर इमरजेंसी हो गई है, घर पे मेरे कोई भी नहीं है, इधर मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट है तो उसको लेबर पेन स्टार्ट हो गया था,
तो मैं 3 दिन पहले वहाँ पर गई थी, अचानक से मेरी डॉटर को टाइफाइड हो गया, तो अब जो है मम्मी का इमरजेंसी हो गया है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो घर पे कोई है नहीं तो मुझे इमरजेंसी में निकलना पड़ रहा है सर। तो मैम रहती कहाँ पर हैं आप? मैं और कहीं में रहती हूँ सर। और आ कहाँ से रही हैं अभी आप? मैं अभी नोएडा से आ रही हूँ सर, क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी और घर पे कोई है नहीं, तो मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तो जाने के लिए अलाउ किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए आईडी कार्ड दिखाना होगा आपको। आईडी कार्ड आप दिखा पा रही हैं? सर मेरे पास, क्योंकि मैं आई भी इमरजेंसी में ही थी, लिवर पेन का प्रॉब्लम था, तो मैं आई भी इमरजेंसी में ही थी, तो मेरे पास अभी आधार कार्ड तो है, क्योंकि इमरजेंसी में आप समझ सकते हैं कि सारी चीज़ें एकदम से, और मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट भी है, जो मेरी बच्ची बीमार हो गई थी। अब ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि घर पे भी मेडिकल इशू है, तो जाना भी इमरजेंसी, ऐसे में कुछ कर नहीं सकते सर, नहीं तो ऐसी सिचुएशन में हम खुद घर से बाहर नहीं निकलते। मालूम था कि आज सुबह 6 बजे से लॉकडाउन है दिल्ली के अंदर सर, हम 2-3 दिन से गए, उसके बावजूद भी आपको घर से बाहर आना पड़ा है, उसके बावजूद भी आपको घर से आना पड़ा है, क्या परेशानी रही है, क्या रीज़न रहा है थोड़ा बताएं। सर मेरी मिसेज की प्रॉब्लम है, बीमार है मेरी मिसेज, इसको लेके गया था मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, वहाँ से मैं आ रहा हूँ अभी फिलहाल, मैं इधर रहता हूँ, क्या नाम है, मीठापुर, मीठापुर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। जी सर, जी सर। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं आपसे, क्यों जाने नहीं दिया जा रहा है? अभी तो कुछ कहा नहीं उन्होंने। अच्छा, अभी आपका टर्न नहीं आया है। वैसे वो क्या कर रहे हैं कि आपकी आईडीज देख रहे हैं, आईडीज देखने के बाद आपको अलाउ किया जा रहा है। जी सर, जी सर। कि आज सुबह 6 बजे से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है, उसके बावजूद भी आपको बाहर आना पड़ा है, क्या रीजन है? सर इमरजेंसी मेडिसिन के लिए आना पड़ा। किस वजह से? इमरजेंसी मेडिसिन के लिए। मेडिसिन के लिए? हाँ। अच्छा, मेडिसिन आप पहुंचा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम दिल्ली से आ रहे हैं, फिलहाल पलवल गए थे। पलवल गए थे जी। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? हम दिल्ली जा रहे हैं। ओके, ये जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है? यही कि गाड़ी निकल नहीं पा रही है, जगहों पर गाड़ी रोकी जाती है, चेकिंग जाती है, जिसकी प्रॉब्लम हो रही है, टाइम लगता है, ट्रैफिक में जाम होता है, इन सारी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। बिल्कुल। बाकी और कोई दिक्कत आ रही है इसके अलावा? नहीं, और कोई दिक्कत नहीं आ रही सर। ठीक, नो थैंक यू। आज सुबह 6 बजे से लॉकडाउन है दिल्ली के अंदर, उसके बावजूद भी आपको बाहर आना पड़ा है, क्या रीजन रहा है उसका? सर एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम अलाउड है, और हम लोग के पास कुछ काम करने के लिए घर में था नहीं, तो हम ऐसे कैसे फिर घर में बैठे, वर्क फ्रॉम होम तो करना ही है, तो एक बार तो आना ही पड़ेगा ना ऑफिस में, एक बार ऑफिस आना पड़ेगा, कम से कम रिकॉर्ड तो लेके जाने पड़ेगा ना, काम कैसे करेंगे घर में। मैम लेकिन जैसा कि सारी ही चीज़ों को, ऑफिसेज को बंद कर दिया गया है, लॉकडाउन का मतलब ही है कि हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो फिर उसमें फ़ायदा क्या हुआ कि अगर आपको एक बार भी या दो बार भी आना पड़े? सर अगर हम बता रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम, आपको जब आप ऑफिस ने बोला है कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, तो उसके लिए तो फिर कुछ तो चाहिए ना, काम कैसे करेंगे हम घर में। ताकि आज सुबह 6 बजे से लॉकडाउन है दिल्ली के अंदर, उसके बावजूद भी आप घर से बाहर निकले, ऐसा क्यों? क्या अगर मजबूरी है, जाना पड़ गया गाँव, क्या रीजन रहा है, कुछ बता पाएंगे आप हमें? घर वाले ज्यादा घबरा रहे हैं जी, बुला रहे हैं जी, कह रहे हैं वहाँ पे आप इतने दिन क्या करोगे? अच्छा, यहाँ पे किराया भाड़ा कहाँ से निकालेंगे, खर्चा वर्चा निकलेगा, अपने गांव जा रहे हैं। लेकिन अगर हम ही हिंदुस्तान के नागरिक, जो कि हमें पालन करना है, उसका पालन नहीं करेंगे, तो ये लॉकडाउन किस तरीके से सक्सेसफुल हो पाएगा? कहाँ से आए हैं आप? यहीं आली से आए हैं जी। आली गाँव से, और जाना कहाँ है आपको? हमें जाना है जी मैनपुरी। अच्छा, कैसे क्या लगता है कि कितने दिनों तक पालन कर पाएंगे, क्योंकि ये 31 मार्च 2020 तक है ये लॉकडाउन जो है, तो आप कब तक इसका पालन कर पाएंगे, क्या लगता है? जब तक चलेगा तब पालन ही करना पड़ेगा। तब तक पालन करेंगे, और अभी क्या करेंगे आप, वापस जाएंगे घर, या फिर कोई दूसरा रूट लेकर आप वहीं जाना चाहेंगे? पुलिस वालों ने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा कि बॉर्डर बंद है, जाओ जी यहाँ से। ओके, तो अभी आप घर वापस जा रहे हैं या कोई अल्टरनेट रूट लेकर जाना चाह रहे हैं? नहीं जाएंगे, जब नहीं जाने दिया जाएगा तो क्या कर रहे हैं? हमारी सास खत्म हो गई है, इसलिए जा रहे हैं सर। अच्छा, कहाँ पर रहते हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ रहते हैं बदरपुर। और कहाँ जाना है अभी आपको? सहसवान जा रहे हैं, सहसवान बताई हूँ। ठीक है, कब तक वापस आएंगे? ये देखो आप तो 2-4 दिन लग ही जाएंगे साहब, मौत में जा रहे हैं। 31 मार्च 2020 तक ये लॉकडाउन किया गया है जी, तो आप उसका ज्यादा से ज्यादा पालन करें जी। हम नहीं आएंगे और उसके बाद ही बांधेंगे, लगे हुए हैं। हालांकि सबकी आईडी को चेक करने के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। अब देखना यह है कि ये स्थिति 31 मार्च तक ही सीमित रहती है या सरकार इस लॉकडाउन को आगे भी जारी कर सकती है। आप देखते रहें सत्य खबर जुएब अहमद के साथ। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।